एक तरफ जदयू मंथन के दौर से गुजर रही है और दूसरी तरफ तीर और तलवार शब्दों के बाण लगातार लपेट लपेट करके भारतीय जनता पार्टी उछाल रही है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार इतने सहज नजर आ रहे हैं जबकि अंदर ही अंदर असहज हैं। लगातार कल की आपने देखी होगी तस्वीरें, तो किस तरह से नीतीश कुमार बिना कुछ बोले मीडिया सामने इंतजार करती रह गई। लंबे समय तक नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे थे कि दो शब्द जरूर बोलेंगे कार्यकारिणी की बैठक पर नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप निकल गए। उनके चेहरे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बैठक में बहुत कुछ हुआ है जो नीतीश कुमार उस पर मंथन करने के बाद अपने विचार रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद केसी त्यागी ने जिस तरह से अपने विचार रखे और जिस तरह से उन्होंने तीरों का संधान किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत विछत हो गई होगी। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार, उनकी नीतियों, उनकी पार्टी और उनको डैमेज करने का हर प्रबंध कर रही थी। हमने भी आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार को गैर जरूरी बताना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब मुखर होकर के नीतीश कुमार पर हमले भी करना शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि कई ऐसे विभाग हैं जिसका डिमांड भी नीतीश कुमार से किया जा चुका है कि नीतीश कुमार को वो विभाग छोड़ देने चाहिए। इन सब के बीच में जो अभी ताजा हमारे पास आंकड़े आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के दो टुक पर केसी त्यागी ने जिस तरह का हमला किया है और भड़के हैं, उसे सुन करके निश्चित रूप से आपको लगेगा कि अब ये संबंध आगे बड़ा ही मुश्किल है। सवाल बिहार का हो या फिर केंद्र का हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपके शरीर का अगर हाथ काटा जाए तो आपको दर्द नहीं होगा, आपके पैर काटे जाए तो आपका दर्द नहीं होगा, क्या आपके गले काट देने के बाद ही आपको दर्द होगा? क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं? एक तरफ दोस्ती की बात हो रही है और दूसरी तरफ फीट में खंजर भोंके जा रहे हैं। आप सुनिए ना किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता नीतीश कुमार उनके साथ हैं या नहीं है। आप वीडियो पहले देख लीजिए। ये सोचना है जदयू को कि बंगाल की राजनीति में वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, ये उनका उनकी पार्टी का एजेंडा है। हमारे सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम सशक्त तरीके से बंगाल में चुनाव में लड़ेंगे, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ हो नहीं हो, और ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, ये हमारी नेतृत्व तय करेगी, इसलिए हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने देख लिया, ये तो एक पक्ष और एक पहलू है जिसको लेकर के अब दोनों के बीच में दूरियां और गैप बढ़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर ये बातें नीतीश कुमार तक पहुंचे, निश्चित रूप से पहुंचेंगी, क्योंकि भारत लाइव तो नीतीश कुमार भी बड़ी बारीकी से देखते हैं, उनके तरफ से आने वाले रिएक्शन इस बात के तस्दीक करते हैं कि भारत लाइव राजनीतिक घरानों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब इसके आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से तीर और तलवार दोनों तरफ से खींच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके जुड़े हुए संगठनों का कहना है कि बिहार में लव जिहाद बहुत जरूरी है। अब ऐसी बातें अगर हो रही हों और दबाव नीतीश कुमार पर हो, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार तो न बोलें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कई समाजवादी नेता हैं जो इस बात को छोड़ने वाले और बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। केसी त्यागी फिर एक बार आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार में लव जिहाद जैसे कानून पर चर्चा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हम जानते हैं कि समाज में किस तरह से रहना है और समाज में क्या मान्यताएँ हैं। जो बच्चे बालिग हो गए हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि वो किसके साथ रहें, किसके साथ शादी करें, किसके साथ जीवन बिताएंगे, इस पर हम थोप नहीं सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को लेकर के जदयू के बीच में 36 के आंकड़े शुरू हो चुके हैं। केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी बालिका को पसंद से शादी करने का अधिकार है, हम समाजवादी लोग हर हाल में जाति और धर्म के नाम पर विभेद करने और मत विशेष को थोपने वाले कानून का समर्थन नहीं कर सकते हैं। जब प्रशांत किशोर ने इसी तरह के कानून की बात की थी, जब CAA कानून आ रहा था, उन्होंने नीतीश कुमार को मना किया था इस कानून पर समर्थन करने का, और कई नेता थे। केसी त्यागी के अलावे और भी कई नेताओं ने उस समय
इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बातें कह रहे हैं और लव जिहाद कानून को क्यों जरूरी बता रहे हैं, जरा केसी त्यागी के बयान से अलग किस तरह की बात कह रहे हैं, ये सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि नीतीश कुमार कितने ज़्यादा दबाव में इस सरकार को चलाने के लिए मजबूर हैं। सुनिए क्या कहा है अरविंद कुमार ने जब उनसे हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे। देखिए, सहज किसी व्यक्ति के सहज असहज या किसी पार्टियों के आंतरिक सहज असहज से इस पर विशेष असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि समाज में जो कुरीतियां फैल रही है, जिससे समाज में जो नए यूथ हैं, युवा हैं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका गलत उपयोग हो रहा है, तो समाज में सुधार के लिए इन कानूनों की आवश्यकता है, समय की मांग है, अतः उन्हें भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है, क्योंकि जो समाज को तोड़ता है, गलत आचरण को बढ़ावा देता है, गलत रास्ते पे जो अगर जा रहे हैं युवा, तो उनको कहीं ना कहीं रोकना हमारा धर्म है, और इस पर बिहार में भी कानून निश्चित बननी चाहिए। तो आपने ये पूरी बातें अब सुन ली, अब फैसला आपको करना है कि आखिर क्या जदयू और बीजेपी का इतनी तल्खियों के बाद भी आगे कंटिन्यू करना संभव लग रहा है। अगर आपको जिस तरह का लग रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो हमें भी अंदाज़ा होगा कि हमारा बिहार किस दिशा में जा रहा है और क्या सोच रहा है। इसके साथ ही एक आग्रह हमेशा हम करते हैं कि आपका साथ और सहयोग लगातार हमें मिल रहा है। 10 लाख के इस सच के साथ चलने वाले, सच को उजागर करने वाले परिवार भारत लाइव को आपके सहयोग की ज़रूरत है, और आपका 1 रुपये का सहयोग भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। UPI नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे अपना सहयोग भेज सकते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।